जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं टेक रेलियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो में जानेंगे ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट फेयर एंड टाइम टेबल के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेन नंबर 20892 ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में मंगलवार को छोड़ के बाकी 6 दिन चलेगा। ये ट्रेन सुबह 5:15 को ब्रह्मपुर से निकलेगा और दोपहर को 2:20 बजे के आसपास टाटा नगर में पहुंचेगा। ट्रेन कमर्शियली 19 तारीख से शुरू होगा ब्रह्मपुर से। उसी तरह ट्रेन नंबर 20891 टाटा नगर ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में मंगलवार को छोड़ के बाकी 6 दिन चलेगा। जैसे ही ट्रेन टाटा नगर में 2:20 बजे के आसपास पहुंचेगा, 30 मिनट के हॉल्ट के बाद 2:50 के आसपास टाटा नगर से निकलेगा और उसी दिन रात को 11:55 के आसपास ब्रह्मपुर में पहुंचेगा। ट्रेन कमर्शियली 18 तारीख से टाटा नगर से शुरू होगा। तो अभी बात करते हैं ट्रेन का हॉल्ट के बारे में। तो ब्रह्मपुर और टाटा नगर के बीच में 9 जगह पे ट्रेन का हॉल्ट है। बालूगांव, खुर्दा रोड जंक्शन, भुवनेश्वर, कटक जंक्शन, जखपुरा जंक्शन, हरिचंदनपुर, केंदुझरगढ़, बंसपाणी एंड चायबसा। तो इन जगहों से आप वंदे भारत का ट्रेन का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टाटा नगर ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 18 सितंबर से टाटा नगर से शुरू होगा। अगले दिन मतलब 19 सितंबर से ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार ब्रह्मपुर से चालू होगा। तो दोनों ट्रेन का टिकटिंग अवेलेबल हो चुका है, आप चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन का प्राइसिंग के बारे में। तो आप सब जानते होंगे वंदे भारत में दो टाइप का चेयर कार अवेलेबल रहता है, एक है नॉर्मल चेयर कार और एक है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। नॉर्मल चेयर कार जिसका प्राइसिंग रहेगा 1575 रुपया के आसपास और एग्जीक्यूटिव चेयर कार जिसका प्राइसिंग रहेगा 2865 रुपये के आसपास। तो नॉर्मल चेयर कार में क्या रहेगा, आपको सीट का रेशियो 3:2 में रहेगा और वो आप सीट को आपके अनुसार आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और इसमें इंक्लूडिंग आपका कैटरिंग चार्जेस भी रहेगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ब्रह्मपुर से लेकर टाटा नगर के बीच में तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा। उसी तरह आप टाटा नगर से अगर ब्रह्मपुर के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा और डिनर मिलेगा। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का फ़ायदा ज़्यादा मतलब इसका फेयर भी ज़्यादा इसीलिए है कि आपका जो व्यूइंग एंगल है मतलब आप जिस तरह चाहेंगे आपका सीट को मोड़ सकते हैं, मतलब अगर बाहर का व्यू देखना चाहेंगे तो आपका बाहर का व्यू भी देख सकते हैं सीट को मोड़ के और उसके कंफर्ट भी ज़्यादा रहता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।